जेकर दयाली रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि सब पाथन आवाओ सबले पहली सबजन मिलके वही गणेश जी ला मनाथन वही गणेश जी ला मनाथन। शंकर प्रिय मम द्रोही रामा शिव द्रोही मम दास हो राम। ते नरक रही कलप भरी हो राम घोर नरक महु वास हो राम। सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।
बोलो संती समाज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार भरे नाम रघुपति मल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार महादेव गिरिजाप्रति याज्ञवल्क भरद्वाज काकपसुंडीगडूर प्रति तुलसी संति समाज शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक मोह बास लखन सिया रामचंद्र की जय। मनुष्य की पुत्र समाज बहुत ही सौभाग्य की बात है जी, आपके गांव गट्टा दिल्ली में आप जम्मू जन के दर्शन हुई और प्रभु की कृपा के बिना राम की कथा के सुने और सुना के अवसर प्राप्त नहीं हुए। भगवान की कथा तेन बहुत ही गादी कर वर्णन बड़े बड़े मुनि महात्मा नहीं कर सके, हजार फन वाले शीत नांग भी नहीं कर सके। भगवान शंकर कहित की पार्वती राम की कथा के वर्णन करना असंभव बात है, आज तक कोई नहीं कर सके, ना तो भविष्य में कोई और कथा के जिन्हें बृहद उन्हें वर्णन कर नहीं सके। कहित की राम की कथा हरि आनंद हरि हरि सुनई बहु जब तनता हरि आनंद हरि अनंता हरि सुनई बहु जब तनता हरि आनंद। पार्वती राम की जिन कथा है राम ही उकर रूप के कोई वर्णन नहीं हो सके, मैं खुद वर्णन नहीं कर सकूं कि इतना प्रभु परे है। हरी कथा अनंत और रही बात एक कथा संत मन बताते एक कथा के पार आज तक को नहीं पार सकते। शास समुद्र मसी करो लेख नहीं बने तब राई धरती तब कागज करो हरी गुरु लिखा न जाए के सातों समुद्र स्याही मान ली जत कभी रुक राई और कलम मान ली और धरती ने कागज मान के लिखे के चालू कर दे लेकिन वो सब पेड़ पौधा मन सब सिराज है धरती खत्म हो जी लेकिन राम की कथा के वर्णन नहीं हो सके। कागराज जी तिन गरुड़ जी महाराज ने बताई कि गरुड़ जी महाराज जिन भ्रम में जीव मन के कल्याण के लिए राम की कथा बहुत ही अनिवार्य है। गोसाई तुलसीदास जी भी रामचरितमानस की रचना के लिए बहुत संघर्ष करी यहाँ तक के संघर्ष करी कि कवि मन अपन ईर्षा द्वेष में रख के रामायण दबाए के प्रयास करी लेकिन गोसाई तुलसीदास जी के नाना प्रकार के संघर्ष करे के बाद हमर तुर तक रामचरितमानस थे। ऐसे तो गोसाई तुलसीदास जी दो लकीर में रामचरित मानस ने पूरा कर देती राम रमण ने दुई जन नहीं एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना ना कटन ना सीतारण ना रावण बदन लेकिन कोई प्रकार से आप जम्मू जल समझ नहीं आए और वही ने समझाए के बारे में गोसाई तुलसीदास जी ते रामचरित मानस ला वृहद लिखी और हमारा चर्चा कहाँ पे करना है लंका कांड और लंका ले यदि उलट दिथन तो काल बन जाते और कांड ला उलटथन तो का बनते डंका जी हाँ काल के डंका बाजा थे ओकरे बारे में हमला चर्चा करना है। मनुष्य की श्रोता समाज समुद्र बांधना है बांधना है कि रावण तीन विचार करी कि वास्तव में मैं कोई ना कोई अच्छा काम ला कर लेते हुए कि सोना में सुगंध लाऊंगे सोची और ये पुल है सागर है आया जाए बार बड़ा परेशानी होती तो अवैया जो मतलब सहूलियत हो जी ऐसे सोच के रावण थे पुल बनवाहू के रही सागर में भारत से लंका जाना है ये घोषणा हो रही लेकिन नहीं बनवाई और ये चीज आओ बड़ा सुंदर बात सोच रही रावण थे स्वर्ग में सीढ़ी जिला भी जरूरत पड़ती स्वर्ग जाए की इच्छा होती तीन तन लधर के चल देती ये तीन चीज विचार करी और रावण तीन चीज विचार में एक भी काम अच्छा आगू नहीं करते
और वही दिन ओला मृत्यु के धाम में प्राप्त करवाई। भाई जेन अच्छा काम है ओला तत्काल करना चाहिए। यदि सोना में सुगंध कहूँ डालती दाई मन सुंदर सोनल पहने और इमल को थोड़ा थोड़ा खुशबू आवत रहती तो कहा पूछना। लेकिन सोना में सुगंध भी नहीं डाली ना तो समुद्र बंद हुई। अब तो पूर्व के समुद्र कथा सुन रहे और हमारा चर्चा करना है सुंदर नया चीज बनाए के बाद कोई भी उद्घाटन करतन जिसे घर के नेहला खुदवा थन जिस भी खुदवान चाहे करूं खुदवान। लेकिन गौरी गणेश की पूजा होती थी वो इतने राम इतन शिवलिंग बनाई और अगर नाम का रखी रामेश्वर राम की ईश्वर रखी है। भाई राम की ईश्वर कौन है भोलेनाथ जी देख कतकर छुन के नाम लो कि राम की ईश्वर कौन है भोलेनाथ जी और हमारे जिन प्राणी अंतिम मन भेदभाव समझ नहीं पावन राम की जिन प्रताप की तिला हमन दोनों में वो छोटे हुई वो बड़े हुई मन में संशय हो जाते और हम तो एक तुच्छ प्राणी जिन संत मन के तुच्छ किनका के बतौर मनुष्य के श्रोता समाज यहाँ तक के बड़े बड़े देवी मन भी भ्रमित हो जाते। जय सच्चिदानंद महाराज के बोले नाथ जी प्रणाम करी सती भ्रमित हो गए। जेकर नाम से भाव के बंधन कर जाते तीन एक नारी की भी वो भटका थे नहीं समझ पाई तो हमन छोटे से प्राणी हमन का समझ। लेकिन बताइए कि कोई भी इंसान हो नर हो नारी हो जिन राम और शिव जी में अंतर समझ कतको जन्म की थे भैया हम बड़ा दिल मानथन बाकी कुछ नहीं मानन राम के नाम लेना बंद कर हमारो तो इसने हो गई भाटा पारा ब्लाक में राम ला मानना च नहीं है बड़ा दिल मानना है कि अब गुण मन जिन जाके तो राम की कथा तो हुल मना करी ते जाबे तो तुरंत कंडाण पड़ी ऐसन भेदभाव मानी अमन बर लिखी कि सी द्रोही मम भगत कहावा तो नर सपने हूं मुंह न पावे। विचार करते ना हमको राम के भक्तन और सी से को द्रोह करत है तो राम न कोई कभी भी नहीं पा सके। फिर लिखित गोसाई तुलसीदास जी दोह के माध्यम में शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ती नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु बात लखन सिया राम चंद्र की जय। मनुष्य की श्रोता समाज कतको जन्मन भोलेनाथ जी के बड़ा प्रम मित्र रहते हैं। रावण देखो ना भोलेनाथ जी के परम भक्त है रावण के सब मन फूल पान ला चढ़ावे तो रावण कर फूल पान के कोई जरूरत नहीं गलल काटे और टोपले चढ़ा दे। भोलेनाथ जी तेरे भोला भाला है भस्म तुला वरदान दी खुद भागा भस्म तुला का वरदान दी जानता हूं मैं कि जेकर हाथ में ते जेकर सिर में ते हाथ रख दो जल जे की भैया ट्रस्ट लेना है मोला ऐसे की भर भस्मसुर भोले नाथ जी खुद आते लेकिन कहाँ पाते भैया। अब कहो रख देती तो कहा होती विचार कर सन रख देती तो कहा होती भोलेनाथ जी के ऊपर में भोलेनाथ जी कोई असर नहीं होती भस्मसुर खुद जल जाती है। हाँ भाई महादेव के ऊपर में हाथ रखना कोई छोटे मोटे काम नहीं। ये भोला भाला भोलेनाथ जी थे कि जेन इंसान रामेश्वर की पूजा अर्चना करे और बताइए कि गंगा तीन उत्तर में है और वहां से जिन जल चढ़ाही तीन अपन जिन जन्म मृत्यु के जिन के बीच के दूरी है उला प्राप्त कर ली गई। मनुष्य की श्रोता समाज शंकर प्रिय मम द्रोही शिव शिव द्रोही मम दास। अरे इंसान कहा थे कि मैं शंकर के भक्त हूं लेकिन राम के द्रोही हूं राम नहीं मानना है ऐसे विचार करते यदि राम के प्रिय है और शिव नहीं मानना है कहूं भेद करते दोनों में उकर कल्याण कल्प भर नरक में वास करी की थी। हाँ एक एक दो दिन लखन कह कल्प भर थोड़ी दिन है मनुष्य की श्रोता समाज जिन ये भ्रमित वाले बात है इला दूर रहना चाहिए। सबसे शुरू में गोसाई तुलसीदास जी भी लिखी कि
दुष्ट मन के प्रणाम करी कही इसकी भैया हो ये मोर रामचरित मानस की जिन जिन लाज ओला रखो। संत मन तो इसे अपमान नहीं करे लेकिन दुष्ट मन बड़ा दुष्टता रूप से करते और कहे की एते पेजे शंका करी ते नर घोर नरक में। पर ये सबसे शुरू में लिख दी कि रामचरित मानस में भोलेनाथ जी में और राम में जिन शंका करी से नरक के वासी बनते और राम के जिन निंदल सुनते हरिहर नींद सुने जो काना हो ही पाप गौ घात समाना। किसकी राम की कथा के राम की निंदल सुनना मतलब एक गौ हत्या के समान। और यहाँ तक कही गोसाई तुलसीदास जी की यदि सके की पूर्णता है जिन राम की निंदा करते यदि तय होकर से सक सकत लड़ाई में तो भीड़ जग गई और वो इसमें निपट गई और वो नहीं तक सकत तो कान ला बंद कर अब मुंह बंद करके वो मिले हट जग गई। प्रभु की निंदा जहां हुआ थी शिव की निंदा हुआ थी राम की निंदा हुआ थी उगर निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और दोनों में कहूं भेद को हम खुद मानी राम भक्त को कहा वो की वो शिव भक्त कहा वो की वो तो भैया ये कल्याण के मार्ग नो है। और ये रामचरित मानस एक कल्याण के लिए मानव मन की कल्याण के लिए सुंदर रचना रची। प्रभु कही कि भोलेनाथ जी की पूजन कराओ राम की ईश्वर रामेश्वर की पूजा कराओ और राम तिन शिव लजपते शिव तिन राम लजपते। मनुष्य के श्रोता समाज आज लंका कांड के माध्यम से गोसाई तुलसीदास जी सुंदर वर्णन लकड़ी लकड़ी से रामचंद्र की जय।